कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है और लोग क्या लेते हैं, उसे इस पे ना जाए। आप टीचर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको पहले समझना चाहिए कि नींद क्यों नहीं आ रही। जी, नींद आने के लिए ना, अब एक सिंपल एनालॉजी मैं आपको दे रहा हूं कि आप गाड़ी पर ट्रेवल कर रहे हैं और खड़े हैं और किसी रॉड को आपने पकड़ के, खंबे को आपने पकड़ के रखा है गाड़ी के अंदर। जी। जब गाड़ी उबड़ खाबड़ जगह में जाती है तो आपकी पकड़ टाइट होती है या ढीली हो जाती है? टाइट टाइट हो जाती है। तो इसका मतलब जब भी रिस्क आता है ना, तो आप अपने, आपका शरीर अपने आप को बहुत टाइट पकड़ता है। जी, ये आप कहीं और भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, किसी ने आपको अगर डराने की कोशिश की तो आप अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं और सांस को रोक लेते हैं। जी, अगर कोई हॉरर मूवी देखेंगे, कोई खराब सीन आएगा तो आप देखेंगे कि आप अपने शरीर को टाइट पकड़ लेते हैं और सांस को रोक लेते हैं। ये तरीका है शरीर का अपने आप को बचाने का। तो पहली बात, इफ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार और आपने पहले भी सुना अगर, तो आई एम सेइंग वी हैव इंक्रीज द रिस्क फैक्टर्स इन द बॉडी। हमने अपने शरीर के अंदर बड़े सारे और बाहर बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ा दिए और ये शरीर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से अगर हमारे परिवार में या हमारे जिनको हम बहुत लगाव है, जिनके साथ में प्यार है, नजदीकी है, वो कोई हादसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। जी। अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूं आपके दूसरी कंडीशन के साथ में। आपको सोने के लिए अपने आप को पकड़ने की जरूरत है या छोड़ने की जरूरत है? छोड़ने की, मुझे लगता है छोड़ने की। छोड़ने की। तो आप छोड़ नहीं पा रहे? नहीं, अच्छा, अब सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। एक एक मजबूत इंसान जो है वो किसी खराब सिचुएशन से जल्दी निकलता है, ये कमजोर इंसान जल्दी निकलता है। मजबूत पैरे निकलता है। और मजबूती का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि आपके अंदर काम काज चल रहे हैं, बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए। आपका दिमाग भी जो है ना, वो एक धीमा फ्लो है, वो फ्लो प्रॉपर होना चाहिए और आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये चीजें जब आप अंदर से अपने आप को मजबूत करेंगे तो ये चीजें अपने आप होंगी। फिर दूसरी चीज, एक और बात इसमें बताना चाहता हूं मैं, कि आप ये ना सोचें कि आपका माइंड और बॉडी अलग अलग है। एक्चुअली प्रॉब्लम आपके माइंड में पहले आती है, बॉडी में उसका फिर रिपरकशन है, उसके बाद दिखता है, देर से दिखता है। तो जितने भी लोगों को शारीरिक रूप से परेशानी है, एक्चुअली वो पहले मानसिक रूप से परेशान है ही है, केवल उनको टैग नहीं कर रहे क्योंकि ये टैग खराब माना जाता है। जी, आपको बताऊं, मानसिक बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं बन सकती जो कि आपकी मानसिक बीमारी को ठीक कर सकती है। लेकिन आपको मैं ये 100% गारंटी देता हूं, आप कुंभक करना शुरू कीजिए, 100% कोई भी आपका माइंड से रिलेटेड इशू हो, चाहे वो सिंपल मेंटल टेंशन हो, चाहे वो इंसोम्निया हो, चाहे वो इसको और खराब खराब नाम दे दीजिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो, बाइपोलैरिटी हो, स्किजोफ्रेनिया हो, या कोई और आप नाम दे दें, जी, वो सारे के सारे ठीक हो। तो आपका एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमारे यहाँ पे लोग आते हैं और कुंभक करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो अल्प्राजोलाम खा रहे थे, चार चार पांच पांच गोलियां एक साथ, ऐसी आदत हो गई थी, और कुंभक करने के बाद में घोड़े बेच के सो रहे बिना खाए दवाइयों को। मैं भी वही चाहती हूं सर। हाँ, तो ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि ये बहुत ही एक नेचुरल चीज है लाइफ की, अनसर्टेनिटी और फाइनाइटनेस। लाइफ फाइनाइट ही होता है और इसकी अनसर्टेनिटी, ये दो चीज पक्का 100% गारंटेड है। तो जीवन का एक ही मकसद फिर उसके बाद में बचता है कि यू शुड हैव अ पर्पस, ओनली देन यू लिव। एक पर्पस पे आइए, एक पर्पस चूज कीजिए, बाकी चीजों को आपको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो आपको बाकी चीजों को एक्सेप्ट करके एक पर्पस बना के लाइफ को आगे ले जाना है। जब तक जिए, ज्यादा लंबा जिए ये मकसद नहीं होना चाहता, हाँ होना चाहिए हमारा, अच्छा जिए, पर्पसफुल जिए, एक हेल्दी लाइफ जिए, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, ये जिम्मेदारी सबकी पहली जिम्मेदारी है। एंड दिस होल थिंग इज टुवर्ड्स दैट ओनली, कि आप डिपेंडेंट ना बने, आपके जीवन का मकसद बना रहे, आप अपने शरीर को अच्छे से इस्तेमाल करके कुछ कंट्रीब्यूट करें,
आपका माइंड इतना क्लियर होना चाहिए चीजों को सही देख सके. दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट दैट. एंड नो मेडिसिन, नो फूड, नो लेक्चर, नो फिलोसफी कैन गिव यू दैट. ये आपका शरीर आपको दे सकता, बट वो बेचारा लाचार है क्योंकि आपने तो उसको क्रिमिनल बना दिया. सो इट विल हेल्प इन एवरी डैम प्रॉब्लम. आप सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी चीजें आपके ठीक. सम पीपल माइट नीड टू डू अ स्पेसिफिक थिंग लेटर ऑन वंस दे आर एट अ सर्टेन लेवल. और किसी एक पर्टिकुलर चीज को करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि जरूरत है कि नहीं, और विल से कि ठीक है 2 महीना और करो आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अष्टांग चिकित्सा में ऐसा कुछ नहीं है जो उसके अंदर नहीं आए. एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस इन दिस प्रोग्राम.